नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इसमें 15वें वित्त आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण कथन हैं, तथ्य हैं, उन सबको देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषता में से एक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथा कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधानों की शक्तियों को भी केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त विभाजन को राजकोषीय संघवाद के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। वित्त आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसमें। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद में संतुलन की भूमिका निभाएगा। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने संसद के समक्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के विभाजन का विस्तृत विश्लेषण कर विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। एन के सिंह, आपको पता है जैसा कि आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, एन के सिंह कौन है? एन के सिंह, ठीक है। एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट कामोबेश पूर्ववर्ती आयोग यानी कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को संरक्षित रखा है। आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है, जो अब तक 42% थी। याद रखना, जो 42% पहले हिस्सेदारी थी राज्यों की, अब उसे घटाकर 41% कर दी गई है। वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती साधारणता पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के बराबर है, जो कि 0.85% थी, ठीक है। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसी के एवज में कट जा रहे हैं। केंद्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ज्ञात हो कि 15वें वित्त आयोग के विचारत विषयों में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केंद्र द्वारा की गई धनराशि की मांग पर विचार करना भी शामिल था। इस संदर्भ में आयोग विशेषज्ञों की एक समिति के गठन पर विचार कर रहा है। वित्त आयोग द्वारा यह कार्य विभाजन योग्य हिस्से की गणना से पूर्व सकल कर राजस्व से एक अलग कोष बनाकर किया जा सकता है, किंतु ऐसा करने से राज्यों के हिस्से में राजस्व की कमी हो सकती है। अन्य सिफारिशों की बात करें, जो अन्य सिफारिश इसने की है आयोग ने कुशल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह के गठन की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि हमें सरकार के सभी स्तरों पर बजट, लेखांकन और अंकेक्षण हेतु मानक प्रदान करने वाले एक वैधानिक राजकोषीय ढांचे की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा प्राप्त कुल राजस्व देश की जीडीपी का लगभग 17.5% था। आयोग का विचार है कि देश का वास्तविक कर राजस्व अनुमानित कर राजस्व स्तर से काफी कम है। इसके अलावा 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक भारत की कर क्षमता काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। इस संदर्भ में आयोग की तीन प्रमुख सिफारिशें की गई हैं: कर आधार को व्यापक बनाना, कर की दरों को सरल बनाना, सरकार के सभी स्तरों पर कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाना। याद रखिए, कर की दर अगर सरल होंगी तो ज्यादा करदाता होंगे, ठीक है। जब कर ज्यादा हो तो लोग कम ही कर देते हैं, क्योंकि वो कर भरना पसंद नहीं करते हैं, ठीक, कर बचा लेते हैं। याद रखिए, अगर कर की सरल है, अगर 100 रुपये कर लग रहा है, सौ ठीक है, 1,000 रुपये का, तो कौन देगा? अगर उसी जगह 5 रुपये लग रहा हो तो हर किसी की मनसा रहेगी, ठीक है, कर देने की। वित्त वर्ष 2018-19
2021 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जो अनुमानित विभाजन एवं राजस्व का 4.31% है। इसके अतिरिक्त आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन को लेकर रिफंड में देरी और पूर्व अनुमान की अपेक्षा कर संग्रह में कमी जैसी कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या के रूप में मापदंडों की आलोचना। आपको पता है कि उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है और दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है। तो दक्षिणी जो राज्यों की सरकारों ने आयोग द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले जनसंख्या मापदंड की आलोचना की है। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से की गणना के लिए वर्ष 1971 और वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया था और 2011 की अपेक्षा 2011 की अपेक्षा 1971 के आंकड़ों को अधिक महत्व दिया था। 14वें वित्त आयोग के विपरीत 15वें वित्त आयोग ने सिर्फ वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों का प्रयास की उपयोग किया है। आयोग ने तय तर्क दिया है कि मौजूदा राजकोषीय समीकरण को देखते हुए यह आवश्यक था कि नवीन जनगणना आंकड़ों का प्रयोग किया जाए। आलोचना करने वाले राज्यों का मानना है कि वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के उपयोग से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा इसका राजस्व का, जबकि कम प्रजनन दर वाले छोटे राज्यों को हिस्से में काफी कम राजस्व आएगा। हिंदी भाषी उत्तरी राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड की संयुक्त जनसंख्या है 47.8 करोड़, जो कि देश की कुल आबादी का 39.48% है। इस क्षेत्र के करदाताओं की कर राजस्व में मात्र 13.89% का योगदान है। याद रखिए, इनकी जनसंख्या है 48 अड़तालीस सॉरी 47.8 करोड़ उत्तरी भारत के चार पांच राज्यों की, और इनकी देश में कुल आबादी है 39.48% और करदाता है यहाँ मतलब करदान में योगदान देने वाले करदाता हैं मात्र कितना 13.89%, जबकि उन्हें कुल राजस्व में से 45.17% हिस्सा प्रदान किया गया है। कितना प्रदान किया जाता है? 45.17%। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों को कम आबादी के कारण कुल राजस्व में काफी हिस्सा कम मिलता है, जबकि देश की कुल राजस्व प्राप्ति में इनका योगदान काफी अधिक है। किनका? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का, और इन्हें कम मिल रहा है। ठीक, वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले की अवधि में जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 280 में इसका वर्णन है वित्त आयोग का। इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख कि 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग की गठन हो जाता है, जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग को मंजूरी प्रदान की थी। 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। एनके सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2004 से 2008 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से 2025 तक। वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपको याद रखना है, केंद्र राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्रित करता है, कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, स्थानीय मुद्राओं और जरूरतों को निपटाने से जानने के कारण निकटता से जानने के कारण राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में लोक हित का ध्यान रखें। हालांकि इन सभी कारणों के चलते कभी कभी राज्यों का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है। इसके अलावा व्यापक
क्षेत्रीय असमानता के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश करते हैं और इसी कार्य के लिए इसे वित्त आयोग को लाया जाता है। वित्त आयोग के कार्यों की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए, यह निर्णय लेना कि अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं। फिर राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश की सुदृढ़ वित्त के हित में हो। ठीक है, तो ये था हमारा 15वां वित्त आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसी संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है।